कॉनिचीवा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मौसम देख लीजिए, पीछे बारिश हो रही है। यस गाइस, इट्स रेनिंग आउटसाइड और वायु उठ चुका है। तो गाइस, आज का ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग पीछे बैठा है कोने में। आज के ब्लॉग में मेरे घर आ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट कौन है? एकदम ऑथेंटिक वाले, एकदम ट्रेडिशनल वाले, मतलब बहुत ही अभी तो कहते जैपनीज आ रहे हैं, लेकिन जैपनीज कौन आ रहे हैं जो बहुत ही पुराने, एकदम प्योर एंड पाइस वाले जैपनीज है, एकदम शुद्ध वाले जैपनीज आ रहे हैं, देसी जैपनीज। देसी इसलिए बोले क्योंकि बहुत ही पुराने हैं, काफ़ी आएंगे तब देखिएगा कि क्या उनकी एज है। और वो जापान के ट्रेडिशनल को, जापान को थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का। लोगों को लंच के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने लंच के लिए मना कर दिया। एंड तो मैं अपने लिए बना रही हूँ खिचड़ी तहरी, कुछ भी कह लीजिए। मैं अपनी सारी फेवरेट्स वेजिटेबल्स, आई मीन जो भी अवेलेबल रहता है ना, वो मैं काट के चॉप कर लिया है। और इधर वायु का भी खाना पूरा मैंने रेडी कर रखा है, इसकी शक्करकंदी उबाल दी है, इसको दूध में पीस दूंगी। चलिए ठीक है, मैं बना लेती हूँ अपना लंच। वैसे मैं कुछ ऐसा खास बना तो नहीं रही, सारा रेडीमेड ही रखूंगी नाश्ता, लेकिन थोड़ा सा मैं सोयाबीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या हुई, तंदूरी सोया चंक्स बना रही हूँ। मैंने दही में मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है, इसमें मैंने बस ज़रा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है बस, क्योंकि लोग स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसलिए अब इसको आधा घंटा समथिंग मैरिनेट करने के लिए छोड़ूंगी। देखिए गाइस, मैंने अपना पूरा फ्रिज अच्छे से चमका दिया है, और ये देखिए मैरिनेट करने के लिए गाइस फ्रिज में रखना ज़्यादा सही रहता है, अच्छी हो जाती है। और मैंने इसमें ज़रा सी कसूरी मेथी भी ऐड की है, और ये थोड़ा सा देसी घी है, बस इसमें खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई किया वही शैलो फ्राई होगा। टेस्टी सोया चंक्स रेडी हैं। नाश्ता मैंने पहले ही लगा दिया है पूरा, क्योंकि बच्चे के साथ सब कुछ पहले से ही मैनेज करके रखना चाहिए। वेलकम वेलकम, माय मॉम विल बी अलाइव। देखिए ये आए हैं अपना फूड। वेलकम हो चुका है, पूरा अच्छे से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, पीछे देखिए इतना सारे गिफ्ट्स, इतने सारे आइटम लेके आए हैं कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, बट मैं तो रिकॉर्ड करूंगी। एंड जैसे ही एंटर हुई तो इनको मेरा वेलकम बहुत पसंद आया था। सारे गिफ्ट्स लेकर आई है वायु के लिए, तो वायु ने ले भी लिया। वायु पूरा गिफ्ट लेकर आई है। और ये देखिए, ये है इनका कुछ स्वीट डिश, कुछ ऑथेंटिक, कुछ ट्रेडिशनल बनाकर लाई हैं। देखिए ये एक और गिफ्ट लेकर आई है मेरे लिए, जो जापान का सोवीनियर है, मतलब मैंने कहा ना किसी जगह की फेमस चीज को सोवीनियर बोलते हैं, तो ये लेकर आई है। लेट्स ओपन कि इसमें क्या है। और ये देखिए वायु के लिए आए हैं बहुत सारे राइस केक। देखिए राइस केक है, मतलब चावल का बना केक, काफी सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, वायु को पसंद आएगा। मुझे पता क्या लग रहा है, साबुन के होगा। और सब कुछ प्योर वेज है, इनको पता है वी आर वीगन, वीगन समझते हैं वेजिटेबल्स को, तो सब कुछ वही है। ये क्या है, ऐसा लग रहा है वायु के दादी बाबा जैसे कोई आ गए, नानी नाना जैसे कोई आ गए, फीलिंग वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग वेट कर रहे थे कि कब मेरा बेबी होगा, सडनली ये हनीबा हनी हबीना की नाइट में हम लोग गए थे, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेट्स ओपन, ये क्या सोवीनियर, क्या सोवीनियर लेकर आई हैं। ओह माय गॉड, अच्छा नाम दे वो तो खत्म हुआ ना। नाइस बॉक्स, कुछ लिखा भी है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये तो जापानीज। During the traveling load, you can buy this souvenir. अभी ये देखिए जापानीज में लिखा हुआ है, तो अभी पढ़ के बताया है कि इस पे लिखा है कि जो भी ट्रेवलर आए कैन बाय देम टू देयर फैमिली
part of their friends and so on. This is a kind of a... इसमें ये लिखा हुआ है जो भी ट्रैवलर्स आते हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जरूर लें. आई थिंक ये फिर से कुछ ग्रीन टी की स्वीट्स है. और देखिए क्या चीज और लेकर आई हैं. बैगन बताती क्यों लेकर आई हैं. तो अभी एक बहुत ही फनी थिंग हुआ. फनी थिंग क्या हुआ, ये वही ब्रिंजल लेकर आई थी तो मैं पूछा ये क्यों लाई. बड़ा मुझे वियर्ड लगा. कह रही ये बहुत यूनिक चीज है, वेरी यूनिक इन जापान. जापान में ऐसे बैगन मिलना बहुत यूनिक है. तो मैंने और इसको एक्सप्लेन कर रहे थे. मैंने कहा नहीं ये ब्रिंजल है और हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन है, ठेलों पे बिकता है. फिर मैंने गूगल करके इनको दिखाया तो ये शॉक हो गए. कह रही हमारे जापान में बहुत ज्यादा ही रेयर मिलता है. वाकई में ऐसा बैगन नहीं मिलता जापान में, मिलता है ऐसा बैगन. दिस इज कॉल्ड एग प्लांट. इसको एग प्लांट कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ब्रिंजल जो कि हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है. तो अच्छा है. So big. Almost the same now. Almost the same. Why you? Why you? Why you? Almost the same. Please have, please, please. तो देखिए बन रही है इंडियन टी. ऑफर किया था ठंडा या गर्म, तो स्पेशल मुझे डिमांड की गई है इंडियन टी के लिए. इन दोनों को पीनी थी इंडियन टी. और इंडिया जा चुकी है, इंडिया में सब चीज जानते हैं, हर एक सिटी का नेम जानते हैं. चकली को देख के कह रहे थे क्या ये मुंबई की है, इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी बोलते हैं. तो चलिए क्यों ना आज लोगों को इंडियन कप में ही टी पिलाई जाए. अभी उतार देती हूँ ऊपर रखे हैं. इनको कप पसंद आ रहे हैं. आई सर्व यू इट. तो देखिए आज मैं इनको इंडियन कप में टी दूंगी. अंकल हाउ इज द टेस्ट ऑफ माय टी. हाउ इज द आन इज वेरी ब्यूटीफुल. नो 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 ब्यूटीफुल. हाउ इज द टेस्ट ऑफ टी. थैंक यू. Taste of tea. Is it good or bad? Oishi, oishi. It's very good. Oishi. Oishi must very good, very good. Oishi means very good. Good taste. I cannot eat Japanese tea at all from now on. Yeah, from now on. कह रहे हैं वो आज के बाद जापानी टी नहीं पियेंगे. इतनी अच्छी इंडियन टी लगी है. वो काफी मजाक किया है. Now it's playing time. Why you? Why you? गाइस वहाँ बातें चल रही हैं. वो अपने ट्रेडिशन के बारे में बता रहे हैं, ये अपने के लिए बता रहे हैं. और इंडिया से काफी इन्फ्लुएंस है ये. और वहाँ देख रही हैं साड़ी. आंटी को भी साड़ी देख रही थी कि इंडियन लोग साड़ी वेयर करती हैं, कैसी होती है क्या होती है. तो मैंने दिखाई इनको, बताया कि 5 meters की लेंथ होती है. और वही हुई अपनी मस्ती में मस्त. और मैं जितना रिकॉर्ड हो पा रहा है आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ. ये एकदम ट्रेडिशनल वाले जापानीज है, प्योर जापानीज है. प्योर जापानीज मतलब इनके मदर फादर वो भी जापानीज थे, ये भी जापानीज हैं. क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं ना, हाफ जापानीज और हाफ इस तरीके से होता है. लेकिन ये नहीं, एकदम प्योर एंड वाइस शुद्ध वाले जापानीज हैं. और नेचर वाइज बहुत ही स्वीट है. वायु को तो बहुत खिला रहे हैं, स्पेशली वायु के लिए ही आए हैं. क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैंने बताया ना, मेरी बातचीत होती थी इनसे, तो ये लोग खुद वेट कर रहे थे कि इसका बच्चा कैसा होगा, कब होगा. तो फाइनली ये वायु से मिलने आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. अब शायद जाने का टाइम हो रहा है, तो अभी लोग निकलेंगे. आंटी आई थी तो आती आते उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई. वो चीज वो फिर से कहेंगी. आंटी डू यू लाइक माय हाउस. यस आई लाइक योर हाउस. दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन. आई थिंक आई आल्सो सी द ब्यूटीफुल सारी. I also
understand. Makeup. When will I go to India, I will bring a sari for you, okay? Are you happy now? Yeah, I'm happy to see many kind of things. I didn't know about that. So guys, when we came here, the first time the uncle came here, he asked me, घर में रहे हुए कितना टाइम हो गया. हमने कहा शायद सेकंड ईयर चल रही है, बोल रहे थे बच्चे के साथ सेकंड ईयर रह रहे हो. हाउस इज सो क्लीन, ब्यूटीफुल डेकोरेशन. आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट कंपेयर विद मी. थैंक यू. And I'm giving you this. Actually, मैंने बताया था कि आंटी मेरे लिए एक ये स्वीट डिश लाई थी. स्वीट डिश का नाम बताएंगी. What the name of this sweet dish you bring for me? Zenzai. Zenzai. Yes, traditional Japanese sweet for celebration day. So today I heard her son's birthday. I'm happy to visit this house. Okay. तो एक्चुअली आज भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. वो समझती आज इसका बर्थडे है. मैं मंथ बर्थडे करती हूँ ना, तो मैंने इनको इन्वाइट किया था 20th अगस्त पे. उसका ये 8 month कंप्लीट हो जाता है, उसका बर्थडे था. उनको लोग आज है. तो ये ज़ेनज़ाई, राइट? ज़ेनज़ाई तो एक ज़ेनज़ाई जापान की हाँ स्वीट डिश है, बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है. तो योर मदर विल मे योर मदर कुक दिस डिश फॉर यू. सो ओके, सो ज़ेनज़ाई जो ये लेकर आई थी वो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है. एंड उसको जो राइस केक है और शुगर है उसके मिक्स करके खाती है. वो जो राइस केक थी ना, इस ज़ेनज़ाई के साथ मिक्स करके खाते हैं, जो कि रेड बीन्स से बनी थी. रेड बीन्स बोलते हैं राजमा, जो हम राजमा चावल खाते हैं उस राजमा से वो बनी हुई थी रेड बीन्स, उसी को बोलते हैं ज़ेनज़ाई. तो अभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, बता दिया उन्होंने कैसे खाना है, क्योंकि वो होती है पहले बन जाती है, उसको बाद में जब खाते हैं तभी उसको मिक्स करते हैं. एक ज़ेनज़ाई डालते हैं, रेड बीन्स सॉरी डालते हैं, फिर राइस केक डालते हैं एंड देन शुगर, राइट? यस. तो वो कंप्लीट डिश होती है ज़ेनज़ाई. एंड मोर में क्या कह रही थी, हाँ, आई विल गिविंग दिस कुकीज. दिस इज द इंडियन ओल्डेस्ट कुकीज. दिस इज ओल्डेस्ट कुकीज ऑफ इंडिया. यस. And very famous, and very famous. Yeah, I'm glad to have this one. Thank you very much. Welcome. तो हमारे बर्तन खाली नहीं देते, इसलिए मैं इस बर्तन में रखे कुकीज दे रही हूँ. The oldest cookies of India. Yeah, thank you very much. Welcome. Thank you. Okay, you enjoy this cooking at your home. Yes, thank you. With tea. You want Indian tea? You want Indian tea? Tea. Only card. Tea is very wonderful. Yeah, thank you. एक मिनट इसमें बारी बताती हूँ. Okay. And boiling, it will become rice cake किसे ने? Yes, rice. Paste. Mochi. And when we add sugar? If we, and please try to this one eat. Okay. And flame is slim, slow. Sure. Okay. For the first time. Okay. Strong is okay. And if we, this is boiling, you probably. फर्स्ट टाइम हबीक टेस्ट करा रहे हैं. बड़ी खतरनाक ड्रेस लग रही है. बहुत ही टेस्टी. व्हाट इज दिस? टेस्टी. इट्स लाइक वो ना इडली, मीठी इडली. आप इसको कह सकते हैं मीठी इडली. नहीं ठीक है. No problem. No problem. No. Bye. I'm happy to see you again. Thank you. Bye. Say bye. Bye. See you soon. Yeah, smile. I'm happy. Okay. So thank you very much. Thank you. Bye.